टेक्निकल इश्यू के कारण आपको बिल्कुल वीडियो नहीं जा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम फिर वही से शुरू करते हैं जहाँ से आपको हम बता रहे थे। ठीक है, तो हम जैसे बात करें कि अभी ये वीडियो कट गया था, 24 उनको सर बताया, फिर से हम उसके ऊपर रिपोर्ट कर देते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे क्या कि क्या बोले हम कि जैसे ये 26 कट करके हम 1 जो बोले तो आखिर ये कैसे बोले। तो सबसे पहले एक बात समझिए, अगर जैसे हम बात करें सिंपल सी बात, यहाँ पर अगर हम बोले 3 आदमी, ठीक है, 4 आदमी की बात करें, ठीक है, अगर हम रिपोर्टर के लिए क्या बोलते हैं, फैमिली बोलती है, एक फैमिली है। तो अगर मान के चलिए इसी तरह देयर आर फोर मेंबर्स इन योर फैमिली, तो आप नहीं ये बोलेंगे सर मेरे घर में 4 परिवार है, ऐसे आप बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। जब आप ये नहीं बोलते हैं उसी तरह हमारे पास ABCD, ठीक है ना, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये है। तो आप एक बात ये समझिए, अगर हमारे पास ये चीज जैसे दिया है ये टोटल, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये पूरे जो है पूरे एक फैमिली टाइप से है, ठीक है ना, इस टोटल को हम एक चीज मानते हैं, ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। आप एक बात बताओ, जैसे कि आप कोई नाम लिखते हो सिंपल सा, अगर हम आपके सामने बोले कि आप एक नाम लिखे, ठीक है, आप एक बात बताओ, इस नाम में आप क्या बोलते हो कि सर 1 2 3 4 5 6, इतना अल्फाबेट में से बोलते हो क्या? नहीं बोलते। हमें क्या बोलते हैं? इसमें इतना लेटर है। अब जब इसको हम लेटर बोल रहे हैं तो फिर किसको हम अल्फाबेट नहीं बोलेंगे? अगर ऐसे बोलते तो यहाँ पर 5 अल्फाबेट होता, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे टोटल अगर एक साथ रहे, एक सीरीज में रहे, ठीक है, तो ये सारे के सारे को हम क्या बोल देंगे? अल्फाबेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अल्फाबेट बोल देंगे। लेकिन जैसे ही इसको अलग कर एक एक करके हम यूज करेंगे, तब उसको हम क्या बोल देंगे? लेटर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? लेटर। बोलिए, इतना तक सबको कॉन्सेप्ट समझ आई? अगर इतना तक आ गए तो आप कमेंट में बताएं, थम्स अप करें, या सर को इतना समझ में आ गया? आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो। आ देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट चीज क्या, कि जब हम यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, तो आप एक बात देखिए कि जहां पर हम अल्फाबेट की बात बोलो। हुई, ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे लेटर। और जैसे कि अभी आप देखिए कि ये लेटर जो है इसी का कंबाइंड फॉर्म एक फैमिली होता है जिसे आप अल्फाबेट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम ये लेटर सारा यूज करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे लेटर। तो लेटर हमारे पास लेटर की संख्या होती है 26, ठीक है, कितनी होती है? 26। लेकिन लेटर से पहले एक बात समझिए कि क्या अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो लेटर बोलना शुरू कर देता है? नहीं करता है। उसके लिए आपको सबसे पहले आप देखेंगे कि उसकी आवाज, दैट मींस वो कुछ साउंड ऐसे बोलती है, साउंड रिप्रेजेंट करती है, अ क च ऐसे करके साउंड रिप्रेजेंट करती है। अब एक बात आप देखिए कि हमको बोलने लेटर से से पहले पहले उन्हें हमको एक चीज समझ में आ जाएगा, वो है उसका साउंड है क्या, साउंड, ठीक है। तो जैसे अभी तक में हम जो पढ़े, अभी तक में हम जो पढ़े वो सारे का सारे का साउंड। देखिए हम यहाँ पर बोले थे क्या आपको, इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज, ये बात बोले इंग्लिश में क्या, यहाँ पर लैंग्वेज रूप में पड़ेगी। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा साउंड। क्या आएगा? साउंड। देखिए ये बेसिक आपको जानना जरूरी है, आप आगे पढ़ लेते हैं सब कुछ पता रहता है, लेकिन बेसिक आपको कुछ आपको नहीं पता रहता है। तो जब हम साउंड की बात करेंगे तो ये साउंड बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। साउंड से पहले एक चीज मेरा आता है फोनेटिक्स, जो अगर कोई सिंगर होते हैं
तो आप देखिए हमारे सिंगर की आवाज को कितनी मधुरता होती है, मिठास होती है। वो उसका क्या यूज करते हैं, क्रिटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। क्रिटिक्स होते हैं जो आपको पहले मैं एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा। तो यहाँ पर जो साउंड की हम बात करते हैं, ठीक है, तो साउंड की संख्या कितनी होती है, आपको किसी को बताओ कि साउंड की संख्या कितनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं कितने साउंड होते हैं, बताइए किसी को पता है। तो देखिए हम बता देते, जब हम साउंड की बात करें तो हमारे पास, ठीक है, साउंड जिसे जिसका कोई एक रूप नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको हम दिखाने की बात करेंगे, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड के बारे में समझते समझता होता है। तो देखिए साउंड जो होता है ना, एक ऐसा ध्वनि होता है, ठीक है, जो हम अपने मुख से बोलते हैं ना, या फिर उसको 100% नहीं किया जाता है। तो जैसे अभी मान के चलिए आपके सामने वीडियो जा रहा है, ठीक है, आके आपने बेस नहीं आ रहा, साउंड क्लियर नहीं आ रहा, तो साउंड क्लियर कब नहीं करना, थोड़ा सा अटकट जाता है, कुछ कुछ जाता है, दैट इज कंप्लीट नहीं जाता। और यही कंप्लीटनेस नहीं आता है उसको हम बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं, साउंड, ठीक है। तो सबसे बात की इंग्लिश, और इंग्लिश मेरा है क्या है लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहला चला था मेरा क्या होता है, साउंड, ठीक है ना। अब हम ये बात करेंगे कि साउंड में अगर कोई कुछ चूक गई है, कुछ कुछ मिस कर जाए, तो आवाज में है, ठीक है। जब हम साउंड की बात करते हैं तो मेरा साउंड कितने तरह के होते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि सर हम साउंड जब बोलते हैं तो हम इंग्लिश में लिखते भी हैं, लिखते हैं, रीटे हैं, और एक होता है मराठा ओरल, दैट मींस स्मोकी, ठीक है। तो जब हम साउंड की बात करें तो साउंड मेरा ओरल चीज है, और रिटेन में तो हम कोई चीज लिख के प्रेजेंट करते हैं। तो जब रिटेन की बात आता है तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज आता है, और वो पहला होता है क्या, कैपिटल, ठीक है, लेटर की बात करें, दूसरा होता है स्मॉल। और जब ओरल की बात करें यहाँ पर हम साउंड को दिखाते हैं, एक होता है मेरा क्या, वोवेल साउंड, क्या होता है वोवेल साउंड, और दूसरा क्या होता है मेरा कंसोनेंट साउंड, ठीक है। अब एक बात देखिए, बच्चा को साउंड पता नहीं होता है, और आगे जब वो पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि देखो हिंदी में जो स्वर होते हैं ना उसके अनुसार हम ए ए प्रयोग करते हैं। तो अब देखो तो बोल सही आर्टिकल्स, तो उसका कनेक्शन यहाँ पर है, ये कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड को जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते तो फिर आप इंग्लिश में हिंदी मिक्स करके पढ़ना शुरू करोगे, और यही हिंदी मिक्स करने के बाद क्या होता है, इंग्लिश ज्यादा समझ में आता नहीं है, बोलने का, ठीक है। तो हम बोले साउंड के बारे में, तो वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड, और हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा, और इसको आप नहीं पढ़ेंगे करोगे कैपिटल को, ठीक है। जब आप कैपिटल को नहीं पढ़ेंगे करोगे तो ऐसे करके लिए पढ़ेंगे करते हैं यहाँ तक देखिए जैर तक, ठीक है। और उसके बाद जब स्मॉल को आप नहीं पढ़ेंगे करोगे तो ए बी सी ऐसे करके, ठीक है, जैर तक जाते हैं। अब एक बात को समझो कि यही चीज जो हम स्मॉल लिखे यही लेटर को थोड़ा सा जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोले कि ये इसी का हम जब मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई जो होता है मेरा उसी को हम टाइमिंग बोलते हैं, और यहाँ पर हम बोले कि वोवेल एक मेरा का कंसोनेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि ए ई आई ओ और यू को हम क्या बोलते हैं, वोवेल से बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे क्लास ओपन होगी तो हम उसका मतलब नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, कॉरेस्पोंडेंस साथ आएगा उसे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे हम बोले ए बी आई ओ और यू, ठीक है, ये तो तुम बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं क्या, वॉइस, ठीक है। लेकिन इसी चीज को आगे में जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स ग्रुप में,
वहां पर हम बोलते हैं कि हिंदी का स्वर से जो इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसीलिए यहाँ पर एन लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर इसी का साउंड होता है, किसका साउंड, ये जो आप देखिए किसका, वॉवेल्स का साउंड, किसका साउंड देखिए, वॉवेल्स साउंड। तो सबसे पहले हम वॉवेल की बात करें तो वॉवेल की संख्या कितनी होती है, पांच, और कॉन्सोनेंट की संख्या बात करें तो 21, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जब ये साउंड होगी वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, उसकी संख्या आपको पता चल गई। तो यहाँ पर देखिए आपको कोई चेक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर आपको अगर कोई प्रश्न पूछ ले, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले क्या कि आप हो गए जानते हो प्रश्न जानते हो, तो वो सरकार के सामने वाला अपने घूमते हैं प्रश्न, तो वो बोले क्या आप एक ऐसा कोई वर्ड बोले, ऐसा कोई एक वर्ड बोले जिसमें सारे के सारे वर्ड्स की प्रेजेंट हो, तो आप यहाँ पर एक बार आपके सामने हम दिख रहे हैं A B C D I O N, ठीक है, देखिए वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो तो चलेगा है, और कुछ एक्स्ट्रा जो आपको ज्यादा स्मार्टनेस लाए आपको चले दे, कहीं कोई पूछे तो जवाब दे, इसके लिए हम ये सब चीजें उसमें ऐड कर दिए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर जब बात करें किसी एजुकेशन की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जैसे कि वहां पर देखिए तो यहाँ पर पहला आया मेरा क्या ए, दूसरा आया ई, तीसरा आया आई, और चौथा ओ, और पांचवा यू। तो आप देखिए आपके सामने एक ऐसा वर्ड जो अपने अंदर सारे के सारे वर्ड्स इंक्लूडेड किए हुए, ठीक है, तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो नॉर्मल जवाब देना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, रेटिंग में 100 पे और पे 100 पे वर्ड में से, सॉरी चलिए अब यहाँ तक जब आपको हो गई तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे हम इसको पहले देख सकते हैं। यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो, लेटर अनजान भी लेटर 26 होते हैं, वर्ड की संख्या बात करें 5 होते हैं, कंसोनेंट 21 होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम साउंड के लिए भी, ठीक है, इनमें से एक लैंग्वेज है अल्फाबेट की संख्या 1 होती है, ये सारा का सारा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करते हैं जब हमको लेटर की पता चल गई, ठीक है, तो लेटर की पता चल गई, तो अब एक बात बताओ अगर हमारे पास लेटर की संख्या मालूम हो गई तो हम देखेंगे लेटर का यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई कुछ हो, जैसे आप कुछ न्यू चीज देखते हो, आपके पास कोई फोन हो, कोई चीज हो, कोई भी चीज हो, तो आप सोचते हैं इसका यूज कैसे करें, उसी तरह हमारे पास एक नया चीज आई उसका नाम क्या है, लेटर, और हम देखेंगे कि इस लेटर का यूज करके हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मान के चलते हैं लेटर अगर हमारे पास ढेर सारा हो तो हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं, इसे हम यूज करके क्या बनाते हैं, ठीक है। तो लेटर की संख्या आपको मालूम है, ठीक है, तो लेटर बोलेंगे जो पार्टिकुलर यूनिट होगा इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर, क्योंकि ये अल्फाबेट का छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ए लिखते हैं ये कहाँ से आया, अगर हम बोलेंगे आप, जैसे आपका नाम किसी का अगर रंजीत, ठीक है, अगर मान चलिए हम बोलेंगे वहां पर कि ये आपका नाम है, आप किसी कैंपस को बिलोंग करते हो एक स्टूडेंट, ठीक है, उसी तरह ये किसी कैंपस बिलोंग करता है, इसी कैंपस का नाम रहता है बेटा और ये एक लेटर है, ठीक है। अब इसका यूज करके हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि जब हमको लेटर पता चल जाती है, लेटर हम सीख जाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि कोई वर्ड बनाए, वर्ड बोले जैसे आप बोलते हो बाकी बोलते हो पेन बोलते हो पैसे बोलते हो फादर बोलते हैं मदर बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लेटर के यहाँ जो लिखे
इसका यूज कैसे कर दो, कहां करते हो। तो सबसे पहले देखिए कि लेटर, अगर हमारे पास ढेर सारा लेटर हो, ठीक है, लेटर का ग्रुप हो, लेटर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलो क्या कि सर अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ाव या ग्रुप। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो, किसका हो, लेटर का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। आपको सबको पता है कि ग्रुप ऑफ लेटर कौन क्या होते हैं, वर्ड बोलते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो बोलिए सबको पता है ये बात, उसको वर्ड बोलते हैं। अच्छा बहुत समझ में आ रहा है। और देखिए बिल्कुल गलत बात है, ये कॉन्सेप्ट अधूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए माय कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को वर्ड बोलेंगे। देखिए आप आपके सामने हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर ले ली एक लेटर एन, और हम दूसरा ले ली क्या, दूसरा भी ले ली एन, और यहाँ पर ले ली ओ, और यहाँ पर ले ली, ठीक है, ये ले लिए। हम यहाँ पर अगला एक चीज ले लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या एन, हम यहाँ पर लिख लीजिए पी, और यहाँ पर हम लिख लीजिए क्या ई, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि यहाँ पर मेरा ग्रुप ऑफ लेटर है और यहाँ पर मेरा ग्रुप ऑफ लेटर है, तो क्या ग्रुप ऑफ लेटर या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर क्या वर्ड का मीनिंग दे रहा है क्या? अब ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, माना कि ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन कोई वर्ड ही नहीं है। तो आप एक बात बताइए, जब मेरे पास ग्रुप ऑफ लेटर है और हम उसका यूज करके वर्ड बनाना चाहते हैं, और जब वो बन ही नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब ये बात कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जो वर्ड हो गई, ये बात तो भी गलत हो गई। यस, यही आपको समझना है। बच्चे अधूरा कॉन्सेप्ट लेके घूमते रहते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर का वर्ड हो गई, लेकिन अब आपके सामने देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ लेटर है, आप इसको वर्ड नहीं बोल रहे हो। देखो यहाँ हम नहीं बता रहे, तुम्हारे पास खुद का दिमाग, तुम खुद समझ सकते हो और आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर किसी को हम यहाँ पर एन लिखे, ठीक है, फिर ओ लिखे, फिर यू लिखे, फिर एन लिखे, यहाँ क्या करना है नाम, और आपको सभी बच्चों को पता होंगे नाम का संज्ञा जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो आप एक बात बताओ, ये नाम जब आया तब ने मेरा कोई वर्ड का मीनिंग दिया, इसका मतलब जो आप पढ़ते आ रहे हो उसको काट दो। आप जहां भी पढ़े हो गलत कॉन्सेप्ट है उसे मत पढ़िए बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक खाली दिमाग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर कचरा भरा हुआ दिमाग को हम कुछ नहीं सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम यहाँ पर अगर उसी लेटर को अरेंज कर दिए, क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, ऊपर उधर कर दिए, तब उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं था, इसको हम वर्ड नहीं बोलते थे, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर का इसका कंप्लीट मीनिंग है, तब जाकर इसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। अब आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड बोलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये वर्ड आ जाए तो तुम बोल सकते इसको वर्ड नहीं बोल सकते हैं क्या, तो देखो टेक्निकल तरीका बता रहे, तुम्हारे पास ये आइडिया रहना चाहिए, कोई अगर ये तुम बोल दो मिस कॉन्सेप्ट से, अगर कोई तुमको इस पर बताने या समझाने का आप इसको कर सकते हैं, इसको वर्ड तो नहीं बोलेंगे बट जंबल वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जंबल वर्ड बोल सकते हैं, बिकॉज इसका एरेंज नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग, ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्या, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 100% समझे। अगर आपको एक ही बात समझ में आती है तो आप थम्स अप करें, मैसेज करें, कमेंट करें, और जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चा लाभ ले सके। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हर कोई सीख सकता है, हर कोई बोल सकता है, विदाउट आप जानते हैं कि आपके एनवायरमेंट में सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। अब वो कल के दिन में 2 साल 3 साल 4 साल बाद सारे के सारे इंग्लिश बोलने वाले हैं। इफ आई वांट टू स्पीक इंग्लिश देन क्या होगा, आप भी समझे, इसलिए इंग्लिश जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वर्ड सीखे कि वर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ कंप्लीट सेंस होना चाहिए,
मीनिंग होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोल पाएंगे, वर्ड बोल पाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? ठीक है, जब हमारे पास वर्ड हो गया, ठीक है, अब हम जब वर्ड समझ लेते हैं तो अगला हमारे पास एक टॉपिक आया, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, सुंदर सा टॉपिक आपके सामने दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर। और ये टॉपिक का नाम क्या है? सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस। तो सेंटेंस इज द किंग ऑफ द क्लास। आज की क्लास का मेन यहां पर आपके सामने आ रहा है सेंटेंस, ठीक है, वो मेरा सारे का बेसिक था, उसको आपको दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले एक बात समझिए, तुम हमेशा सेंटेंस तो हम बहुत तरीका से बोलते हैं, अगर हम हिंदी बोलते हैं वहां भी सेंटेंस की आवश्यकता होती है, इंग्लिश बोलेंगे वहां भी सेंटेंस की आवश्यकता होगी, कोई कभी भी बात करता है वहां भी सेंटेंस की आवश्यकता होगी। अब एक बात बताओ, क्या अगर आपके पास बहुत सारे हम वर्ड दीजिए, ठीक है, बहुत सारे आपके पास अगर हम वर्ड दे दे तो क्या आप उससे सेंटेंस बना सकते हो? बोला सर बना सकते हैं। एक बात पहले कि अगर हम आपके सामने एक चीज लिखते हैं, ठीक है, अगर आपके सामने हम जैसे को लिखा कि एम आई रेस्टोरेंट बोल, अब यहाँ पर एक बात समझिए कि ये भी एक वर्ड है अपने आप में, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और ये भी एक मेरा क्या है, वर्ड। तो तुम बोलो सर, या तुम भी जानते हो कि सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड बोल देते हैं और हम सेंटेंस बोल देते हैं, बट यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, आपके सामने ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसका कोई मीनिंग आए क्या, तो क्या इसको हम सेंटेंस बोलेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, हम हिंदी में आपको बोलते हैं, इंग्लिश तो सुनिए, इंग्लिश बोलेंगे हम समझ में आ रहा है, हिंदी की बात करते हैं हम बोलेंगे आपको इंग्लिश पढ़ाना मैं शाम 7 बजे, तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी को हम बोलेंगे मैं आपको शाम 7 बजे इंग्लिश पढ़ाने का काम करूंगा, आपको ऐसे तरीके से समझ में आ रहा। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास वर्ड है ढेर सारा, लेकिन इस वर्ड का जिस तरह भी एक कंप्लीट सेंस आया था उसका सेंस नहीं आ रहा, ठीक है, उसका सेंस क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर देखा कि ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड की बात करें, हम सेंटेंस की बात करें, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। आप एक बात समझिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड और इसको हम यहाँ पर बोल दिए क्या, सेंटेंस, ठीक है। तो जब आप अभी ये बात समझे तो इस बात से कंक्लूजन निकलता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, उसके साथ साथ उसका एडिशनल चीज क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट सेंस या मीनिंग, कॉन्फ्लिक्ट सेंस या मीनिंग। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ जब इसका कॉन्फ्लिक्ट सेंस या मीनिंग आएगा तब ये कहलाएगा मेरा क्या, सेंटेंस। तो आपके पास अगर कोई बोले कि ग्रुप ऑफ वर्ड हो हम बोल देंगे सेंटेंस, तो ये बहुत ही गलत बात है, इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ इसका कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। अब एक बात समझिए कि जब इसका कंप्लीट सेंस हम देखेंगे तो हम सेंटेंस बोलेंगे क्या, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ ओनली वर्ड है तो इसको हम कुछ बोल सकते हैं क्या, कुछ नाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नाम दे सकते हैं, वो तभी जनरल में रहता है, इसमें रहता है जनरल में, सेंटेंस का फॉर्मेशन वो 100% नहीं कर पाता, ठीक है। अगर किसी को हम यहाँ पर बोले, अगर किसी को हम यहाँ पर बोले क्या कि जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड बोले, ठीक है, तो हम अगर इसको भी किसी यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि एक सेंटेंस आपके सामने दे रहे हैं क्या, सेंट एन ईमेल
his powers कार्तिक देखिए क्यों नहीं गुरु को कौन कौन से इंद्रिय बोलेंगे देखिए ये आपके सामने सॉरी ये आपके सामने वर्ड ये आपके सामने वर्ड ये आपके सामने पढ़ने सारा का सारा है अब एक बार तुम पढ़ो इसको स्कैन ईमेल डीज बॉक्स कार्तिक समझ में आ रही क्या मैंने तो पहले नहीं पढ़ा आपको घर जाके समझ में आ रहा होगा अच्छी बात यहाँ पर सेंड एन ईमेल हिज बॉस कार्तिक अब एक बात समझ लिए कि यहाँ पर तो ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कॉम्प्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है कॉम्प्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है तो अब जैसे हम इसको लिखते हैं आपके सामने ठीक है सॉरी डेट नोट जैसे आपके सामने लिखे ये सेंटेंस और इसी का हम दूसरा पॉइंट ले लिया कि ये सारा का सारा वर्ड है एक साथ लेकिन वर्ड का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं आ रहा सेंस नहीं दे रहा इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्यों क्योंकि व्हेन आई कम्युनिकेट विद समवन जब हम किसी से बात करते हैं देन आई नीड मुझे जरूरत पड़ती है क्या जरूरत पड़ती है एक कंप्लीट मैसेज से बात करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं क्या कार्तिक क्या बोले कार्तिक Sent an email. Kartik sent an email to his boss. अब एक बात समझिए कि यहाँ पर जो आपके सामने कि Kartik sent an email to his boss. Kartik ने अपने boss को एक email भेजा. अब एक बात आप बताइए कि इसका मतलब आपको अच्छी से आती होगी कि Kartik ने Kartik कोई लड़का है और वो लड़का क्या क्या अपने बॉस को एक ईमेल किया मैसेज किया तो आगे तो हम ईमेल राइटिंग पढ़ेंगे आप राइटिंग ईमेल मैसेज राइटिंग पैसे कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि अगर मान के चलिए कल के डेट आपको आपकी कंपनी में जॉब लगे आपको कंपनी बोले कोई ईमेल लिखिए तो आप ऐसे लिखोगे क्या देखिए दोस्तों ये अच्छा माल है यहाँ से आप खरीदिए ऐसे नहीं बोल सकते वहां पर आपको यही सब सकता पड़ेंगे इसीलिए ईमेल राइटिंग जरूरी है तो अब यहाँ पर कार्तिक सेंट एन ईमेल टू हिज बॉस कार्तिक आपके बॉस के पास एक ईमेल भेजा इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा तो अब एक बात समझे यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ लेटर था लेकिन इसका क्या है प्रॉपर ऑर्डर है क्या भाई प्रॉपर ऑर्डर है तो इसलिए यहाँ से हमारे पास एक बात हमको समझ पाना चाहिए क्या यहाँ से हमको एक बात समझ पाना चाहिए कि कोई भी हमारे पास ये सेंटेंस अगर एक कोई सेंटेंस है तो उसका ये सेंटेंस हैज प्रॉपर ऑर्डर ये सेंटेंस हैज प्रॉपर ऑर्डर ठीक है प्रॉपर ऑर्डर ये सेंटेंस का क्या होना चाहिए प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए विदाउट ऑर्डर द सेंटेंस दैट कैन नॉट गिव सेल्फ कंप्लीट मीनिंग सो सेंटेंस का ऑर्डर होना जरूरी है ठीक है ना वो ऑर्डर होना चाहिए तो आप एक बात बताइए वो आपको समझ आ गई और एक बात को यहां से ध्यान में रखना है आपको क्या कि ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर कोई भी सेंटेंस है तो वो जो स्टार्ट्स होगी वो किससे स्टार्ट्स होगी कैपिटल लेटर से ठीक है तो हम बोलते हैं कि सेंटेंस ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर ए सेंटेंस है प्रॉपर वर्ड ए सेंटेंस के पास प्रॉपर वर्ड आना चाहिए और उसको किससे शुरू होगा कैपिटल लेटर से ठीक है अब सबसे पहले एक बात समझे कि सेंटेंस जो हमारे पास है उसका एंडिंग पॉइंट कैसे होता है क्या एंडिंग हम कैसे लिखते हैं हम बोलेंगे ए सेंटेंस यूजुअली ends with full stop full stop का समय ऐसे होता है या full stop को कहीं कहीं आपको period लिखा मिलेगा ठीक है और sentence full stop से usually हम लोग अक्सर full stop से खत्म होता है लेकिन ये interrogative mark से बनता है जैसे sign of interrogation sign of exclamation ये सारे से भी खत्म होती है ठीक है तो जिस टाइप की सेंटेंस होगा उस अनुसार वो खत्म होगा तो बोलिए आपको बात समझ में आई ये
क्या सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन, बहुत बच्चे बोलते हैं सर सेंटेंस का और कोई डेफिनेशन दीजिए, तो सबसे पहले एक बात समझिए, ठीक है, आप कमेंट करते रहिए अगर आपको समझ में आती है, ठीक है। तो अगला देखिए कि अब आपके सामने कि हम सेंटेंस का डेफिनेशन एक बता देते हैं कि इन एनी लैंग्वेज, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, ढेर सारा कोई भी, इन एनी लैंग्वेज देयर इज अ नीड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रत्येक लैंग्वेज में हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स की आवश्यकता होती है, दैट गिव्स ए कंप्लीट मैसेज। वो एक क्या है, कंप्लीट मैसेज, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। तो बोले आप, आपको बात समझ में आए सेंटेंस का, आपको समझ में आए। तो देखिए हम पहला पहला आपको बताया कि हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम यहाँ पर बोले इंग्लिश, और इंग्लिश यहाँ पर हम बोले लैंग्वेज, लैंग्वेज भी यहाँ पर आया साउंड पर, जब साउंड देखे तो वहाँ पर, उसके बाद हम आए अल्फाबेट पर, जब हम अल्फाबेट देखिए तो हम वहाँ पर आए लेटर, और यहाँ पर देखिए मेरा क्या ओरल, और एक देखिए मेरा क्या रिटेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या साउंड, ठीक है, वॉइस का कंसोनेंट साउंड, और यहाँ पर देखिए कैपिटल और स्मॉल। जब ये हो गया था मेरा तो हम फिर वर्ड पर गए थे, और वर्ड बने थे ग्रुप ऑफ लेटर, वहां से हम वर्ड बना लिए थे, और वर्ड का भी प्रॉपर वर्ड रखना चाहिए, वर्ड हम समझ लिए, ठीक है। जब हम वर्ड पढ़ लेते हैं तो वर्ड का जब हमारे पास रिलेशन हो जाता है, पता हो जाता है, तब हम कोई चीज बोल पाते हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पर वर्ड बोल पाए, तब जाके हम यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस, और सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज कंप्लीट मीनिंग। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल थिंग दैट इज इन द क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आज हम सेंटेंस का डेफिनेशन दिखा दिया, सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर या इंट्रोगेशन मार्क के सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आज की क्लास में हम सेंटेंस का करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं, अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट हमें और है आप बता सकते हैं जिससे हम इंप्रूव कर सके, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए यूजफुल है, सब सीख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है सारे सारे शेयर कर दीजिए, और अगले दिन ठीक टाइम पर आप लाइव में जुड़ जाइए, और आप अगर रेगुलर सीरीज से वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं, और उसके अनुसार हम आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप भी रेगुलर तरीके से पढ़े और हम भी रेगुलर तरीके से पढ़े। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आप अपनी फीडबैक कमेंट में दें, थैंक यू।